Smmart, an entrepreneur solutions provider, a Santosh Nair enterprise. Okay, sir. Firstly, congratulations for 15th anniversary completion. Sir, start हमने किया था 2000 में. आज 2015 है. 15 साल में Smmart एक garden से यहाँ तक आया और आज इतना बड़ा problem हम लोग ले रहे हैं. तो सर ये 15 साल की journey के बारे में क्या बोलोगे? 15 साल का जर्नी में सिवाय दर्द का और कुछ भी नहीं था, सिवाय दर्द का, सिवाय तकलीफ का, सिवाय पेन का कुछ भी नहीं था. जैसा गांधी का जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम वाज फुल ऑफ पेन, एगनी, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, हमारा भी एक पेनफुली जर्नी रहा है. क्योंकि ये जो प्रसव वेदना है, लेबर पेन है, इसको लेके घूम रहे हैं और ये हमेशा रहेगा, रहना ही चाहिए. क्योंकि कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा अचीवमेंट बिना दर्द के, बिना उस तरह का पैशन, बिना उस तरह का इंटेंसिटी का हो नहीं सकता. ओके, तो सर हमने स्टार्टिंग में जिस तरह मतलब आप एमएलएम को कैटर कर रहे थे, बाद में फिर आपने टिकटॉक शुरू किया, अभी ओनली फॉर एंटरप्रेन्योर्स अभी कर रहे हो, तो सर वो कैटेगरी चेंज करने का रीजन क्या था? देखिए, पहला हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में थे, उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में, एमएलएम में, इंस्पिरेशनल टॉक, सभी जगह पे आए. ऐसे करते करते, रास्ते पे चलते चलते, हमने जब नया प्रोग्राम किया जिसका नाम है निर्वाणा गुरुकुल, यहाँ पर नित्य क्लियर होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए. आप जाने जाएंगे खाली कुछ एक चीज़ के लिए, अमिताभ एक्टिंग के लिए जाना जाएगा, विश्वनाथन आनंद चेस के लिए जाना जाएगा, स्मार्ट एक चीज़ के लिए जाना जाना चाहिए था. तो हमने देखा कि इतने 15 साल में सबसे ज़्यादा तकलीफ किस कैटेगरी के लोग को. कॉरपोरेट्स तो एक लेवल पर पहुँच गए, वोडाफोन हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, कोको कोला हुआ, ये 50 साल, 100 साल, 60 साल, 70 साल, 200 साल पुरानी कंपनियां हैं. इनकी, इन्होंने बहुत सारी तकलीफें देखी है और हम लोग वहाँ पर उनके साथ काम किए, उनको वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में आया. और फिर हम जब ग्रास रूट लेवल के एंटरप्रेन्योर्स, नैनो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को देखे, हमने देखा उनको स्ट्रगल करते हुए. वो कैटरपिलर के कैटरपिलर ही रह गए, वो बटरफ्लाई बन ही नहीं सके. तो हमने कहा कि हमारे पास तो वो सब कुछ है, हमारे कंपनी और हमारे टीम के पास वो सब कुछ वेरविथॉल है, कॉरपोरेट का, दुनिया का, वो नॉलेज, वो एटीट्यूड, वो स्किल्स, वो हैबिट्स, वो स्ट्रेटजी जो इन लोगों को लगेगा, नैनो, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेस, वो हमारे पास है. तो हमने कहा कि चलो आज के बाद कंपनी इसीलिए जाना जाएगा और ऑफिस बॉय से लेकर चेयरमैन तक हर आदमी सिर्फ धंधे वाले के बारे में सोचे, उसके दर्द के बारे में सोचे, उसकी तकलीफ के बारे में सोचे, उसके फ्यूचर के बारे में सोचे, और हम सब का एक ही लैंग्वेज होना चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए. ओके, तो सर ये जो प्रोग्राम है कैश मल्टीप्लायर, तो ये लेने का मतलब ये सोचा आपके दिमाग में क्यों आया? देखिए, ये जो दुनिया है ये वका टाइम्स है, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी की दुनिया है. ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था 1964 में. ये एक नया दुनिया, क्रॉसओवर की दुनिया है और ये क्रॉसओवर 1970 में शुरू हुई इंडिया में, इसका इफेक्ट 1990 के बाद आई और 2020 तक चलेगा. तो कोई भी क्रॉसओवर 50 साल का होता है, 1970-2020 ये पीरियड में कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, वर्किंग, हर वो चीज़ जो पहले था 1970 के पहले, वो सबको चैलेंज किया जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा और ऐसी नई दुनिया में नई नॉलेज, नई एटीट्यूड, नया स्किल, नई हैबिट्स और नई स्ट्रेटजीज की जरूरत है. एज ए कंपनी कमिटेड टू द कॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्सेलेंस, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट लाए, ये प्रोजेक्ट लाए और वही हम लोगों ने किया. सर, आपके इस प्रोग्राम के बाद लोगों ने जो हमें फीडबैक दिया, तो लोगों का ये कहना है कि ऐसे सारे प्रोग्राम्स मतलब बचपन से लेके होने चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हर चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त अभी था और वो वक्त अभी आया है. सो मेरा ये मानना है कि इंडिया बदल रहा है, इंडिया की कल्चर बदल रही है, तो अब एक नया टाइप का कल्चर लोगों में बिल्ड करना चाहिए. तो आपने एब्सोल्युटली राइट फरमाया कि यस, ये कल्चर बचपन से ही बिल्ड किया जाना चाहिए. तो स्मार्ट आगे चल के स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल कॉलेजेस के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करेगी और ये सब फिलॉसफी वहाँ पर भी लाने का प्रयास करेगी और उसमें कामयाब होगी, ऐसा मेरा विश्वास है. सर, वन फाइनल क्वेश्चन, आज के संतोष नायर और 15 साल पहले के संतोष नायर में क्या डिफरेंस है? शांत हो गए.
लेकिन सर लोग जो बोल रहे हैं कि हमें संतोष वाणी मतलब नायर वाणी जो चाहिए वो नायर वाणी रहेगी तो और मजा आता है, तो फिर उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए वक्त के साथ आदमी को बदलना चाहिए, लोगों को मजा क्या चीज में आ रहा है और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगी इसका अंतर मेरे को समझ में आ गया। तो जब मजे के लिए बुलाया जाएगा तो मजा दूंगा, जब अंतश्चेतना में खिला हुआ यू नो एक इनर कॉन्शियसनेस को हिलाने की बात होगी तो नया तरीके से हम उसे पेश करेंगे और वही हमारा एम रहा है आज के इस प्रोग्राम में। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, 15th एनिवर्सरी पे स्मार्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल परिवार मेंबर्स को क्या बोलना चाहोगे आप? जुड़े रहिए स्मार्ट के साथ, जुड़े रहिए स्मार्ट के फिलॉसफी के साथ, स्मार्ट के दर्द के साथ, और स्मार्ट आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बना के बुलंदियों पे उड़वाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 10th फिफ्थ 2000 को और 10th फिफ्थ 2015 को ये जो 15 साल का गैप है, ये 15 साल के गैप में प्रोग्राम का ड्यूरेशन कैसा था और आज का प्रोग्राम क्या होगा उसके बारे में? आई फील वो टाइम का जो हमारा प्रोग्राम्स था वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में होता था, जो पूरा पूरा दिन होता था और बेसिकली स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स थे। आजकल जो हम लोग प्रोग्राम्स रन करते हैं वो ज़्यादातर नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को एप्लीकेबल वाला प्रोग्राम है एंड उसका ड्यूरेशन 4 घंटे का भी है, पूरा पूरा दिन का भी है और वो पूरा साल 2 साल 1.5 साल जुड़ने वाली प्रोग्राम्स है। सो इट विल बी वेरी एप्लीकेबल। बहुत फ़र्क है 15 साल पहले के और आज का प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे बिकॉज कॉन्टेंट वाइज बहुत बहुत उम्दा किस्म का कॉन्टेंट आजकल हम लोग निकालते हैं, बहुत क्लिपिंग्स बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं, स्मार्ट का ही इतना सारा स्टोरी है अंदर, तो हम लोग वही जरिया यूज़ करके लोगों को एक्सप्लेन करते हैं तो लोगों को ऐसा समझ में आता है एंड आई फील इट हैज ग्रेटली इम्प्रूव। मैम कुछ लोग बोलते हैं कि सर का प्रोग्राम देखने के बाद मतलब कुछ लोगों का फीडबैक ये था कि सर के ज्ञान को उगल के पीना चाहिए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? पीना ही चाहिए अगर उनको लगता है कि वो पीने से ही उनका एप्लीकेशन बिजनेस में होगा तो उनको पीना ही चाहिए, क्योंकि जो वो लोग जो वो बताते भी हैं वो बुक से उठाया हुआ या ऐसा कोई मूवी देख के तो नहीं बताते, इट कम्स फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ पैशन एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच हैज़ एक्चुअली मटीरियलाइज्ड इनटू इम्प्लीमेंटेशन जो अपने खुद के बिजनेस में करते हैं। तो ये सारा मसाला जब भी मिलता है ना तो एक बहुत ही उम्दा किस्म का कॉन्टेंट बनता है और वो उगल के पीना ही चाहिए। अगला संतोष का प्रोग्राम आ रहा है बिजनेस रीलोडेड के ऊपर और वो मेरे को लगता है 9 टॉपिक्स निकाले हैं और वो 9 टॉपिक्स सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन हर एक प्रोग्राम का एक एक टॉपिक का ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे वो कि पीपल विल नॉट बी एबल टू इमेजिन कि ये कंटेंट से इस तरह का ट्रीटमेंट और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन, अपनी 15th एनिवर्सरी पे आप अपने परिवार मेंबर्स को क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लोगों को जुड़े रहना चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जैसे स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, नॉलेज की एक दरिया है, लोगों का रिस्पेक्ट उनको मिलता है और सीखने को बहुत सारा मिलता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओशन ऑफ नॉलेज। तो अगर लोगों को नॉलेज, ग्रोथ, रिकग्निशन, रेस्पेक्ट, लव, नेम, हैप्पीनेस चाहिए, लोगों को स्मार्ट के साथ ही जुड़ना चाहिए। 2000 साल स्मार्ट शुरू किया, आज 15 वर्ष पूर्ण करते हैं, 15वें वर्ष म्हणजे या एनिवर्सरीला आपण हा प्रोग्राम घेतला कॅश मल्टीप्लायर, तर त्याबद्दल आपलं काय म्हणणं? एक तर 15 वर्ष हे लाईक अ टीनेजर, इट्स अ व्हेरी पोर्टंट एज, यू आर यंग इनफ टू लुक ॲट द फ्युचर बट यू आर ऑल्सो ओल्ड इनफ टू हॅव अ गुड एक्सपिरियन्स बिहाइंड, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, सो इट्स अ गुड स्टेज इन लाईफ। आणि हा प्रोग्राम अत्यंत समयोचित ज्याला म्हणतात, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर अ टाईम अँड दिस इज व्हॅलिड, दिस मेसेज इज व्हॅलिड फॉर एनी स्टेज इन लाईफ, एनी स्टेज इन बिझनेस and at any age in life, so it was very well researched, very well delivered and ya sagyansathi lagu hai, so it was very appropriate. Sir, aaj ka program specially for entrepreneurs tha, to entrepreneur matlab itna jo aaj ka response tha entrepreneurs ka, to uske bare mein aapka kya khayal hai? You could see the response from the enthusiasm in their clapping, in their responding, tyancha chehryavar hota. I had a chance to speak to a couple of people after the program during a break and they felt that it was something new
that they got a complex thing which was made simpler for them. So response uttam hota. In terms of numbers, ever since we decided to focus only on entrepreneurs, this is one of the larger numbers. And hopefully we'll get back to the original numbers when we had focusing non-entrepreneurs also. Okay. Sir, Smmart ke 15th anniversary pe aap pure parivar members ko internal external dono ko kya message dena chahoge? What I've learned from this program is what I think everybody should imbibe. So, sir ne jo humko bola hai to focus on self in terms of ke ASHS, apna knowledge. Sir ne bola internal world or outside world. और इंटरनल वर्ल्ड के भी काफ़ी टेक्निक्स सर ने दे दिए एटीट्यूड स्किल हैबिट्स एंड स्ट्रैटेजीज सो आई विल एनकरेज पीपल टू फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दिस फोर एस्पेक्ट बिकॉज ओनली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्गर एंड बेटर यू कैन मेक अ वर्ल्ड बेटर आज 15th एनिवर्सरी स्मार्ट की सर और स्मार्ट ने 15 साल कंप्लीट किए जो 15 साल पहले गार्डन में शुरू हुई कंपनी आज यहाँ तक आगे ग्रो हुई है और हम लोग एंटरप्रेन्योर के साथ भी कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है यस विकास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा वो ये है कि आप लोग एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं और कैसे लग रहा है पहले तो मैं बोलूँगा ये जो 15 ईयर्स जो था इट हैज़ बीन अ ग्लोरियस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि हमने राइट जैसे विकास ने कहा कि गार्डन से शुरुआत की थी हमने और वहाँ पर कई समस्याएँ थी बट यस धीरे धीरे हमने आगे एक कदम रखा और हमारे उस टाइम के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और आज हमने चूज़ किया कि एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि देखिए अगर आज इंडिया शाइनिंग है अगर इंडिया एक ग्लोबल मैप में अगर दिख रहा है और इंडिया बहुत ही एक सेंटर स्टेज होने वाला है फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स तो ये सब कौन करेगा इट्स ओनली द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज ये कॉर्पोरेट्स का काम नहीं है ऑल द एंटरप्रेन्योर्स वो 5 करोड़ का एंटरप्रेन्योर हो 500 करोड़ का एंटरप्रेन्योर हो या 5000 करोड़ का एंटरप्रेन्योर हो यही लोग हैं जो इस देश को बिजनेसेस को और पूरी इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे तो बड़ा लुफ्त आता है हमें और बड़ा मज़ा आता है हमें और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को उनके साथ काम करने के लिए बिकॉज दे वैल्यू अस एंड द काइंड ऑफ पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशंस दैट वी प्रोवाइड टू देम इट रियली इम्पैक्ट्स देम सो वी आर वेरी अमेज्ड वी आर वेरी एक्साइटेड वी आर फुली थ्रिल्ड वी आर गियर्ड अप टू गो 150 ईयर्स फ्रॉम नाउ बिकॉज वी वॉन्ट टू बी अ जी इन द बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर एजुकेशन सो आई विश ऑल ऑफ देम मोर ग्लोरियस ईयर्स टू कम एंड आई फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एनिवर्सरी 15th एनिवर्सरी ओके सर आज सर ने जो प्रॉब्लम लिया कैश मल्टीप्लायर तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आज जो कैश मल्टीप्लायर प्रोग्राम हुआ वैसे तो हमें ये जो वर्ड है कैश KASHS तो उसमें नॉलेज एटीट्यूड स्किल्स हैबिट्स स्ट्रेटजीज ये हम जानते ही थे लेकिन आज जो उन्होंने इसको फ्लेवर अलग दिया जैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे गंगोत्री से जो प्योर द प्योरेस्ट ऑफ वाटर नीचे चलते चलते आके इतना पोल्यूटेड और करप्टेड हो जाता है और कैसे हम अपने ज़िंदगी की अपने बिजनेस के जो चैलेंजेस को हैंडल करते हैं इन अ कम्प्लीटली पोल्यूटेड स्टेट ऑफ अफेयर्स उससे एक चीज़ साबित हो गया है कि हमको अभी प्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को अपने इंटरनल कस्टमर्स हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स को बहुत ही प्योरली देखना पड़ेगा और ये जो क्लटर है इससे निकलना पड़ेगा और ये अगर करना है तो सिस्टम्स प्रोसेसेस ये डालना बहुत बहुत ज़रूरी है तो ये जो फ्लेवर आज हमने कैश में देखा इट इज़ बहुत ही अद्भुत यूनिक अनहर्ड ऑफ और खास करके नायर साहब की पर्सनैलिटी को अगर आप देखते हैं और ये कैश मल्टीप्लायर देखते हैं वो टू पोल्स अपार्ट है इट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को और सभी लोगों को मज़ा आया हम लोगों को भी इसका फ्लेवर बहुत मज़ा आया इट वॉज रियली कैप्टिवेटिंग